मॉर्निंग ऑल क्लासेस इंग्लिश ग्रामर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रैक्टिस ऑफ टेंसेस। जो आपको टेंस के बारे में हमने अध्ययन कराया था, सारे टेंस के बारे में, तो वो उसी की प्रैक्टिस करेंगे कि कब कौन सा टेंस किस सेंटेंस में लिखना है और समझना। पहला वाक्य है हिंदी में, पहले कौन कौन घर नहीं आया, तो कौन घर नहीं आया है, तो हिंदी में ये आ गया अपना। तो अब ये नहीं लिखना हमको, इंग्लिश में लिखना है। तो पहले ये समझना है कि कौन सा टेंस से संबंधित है, ठीक। तो इसमें क्या आ जाएगा, हु फैमिली डिड और सब्जेक्ट और नॉट और वर्ब और ऑब्जेक्ट आएगा, तो आ जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक। और ये क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव भी और इंट्रोगेटिव भी। इंट्रोगेटिव मतलब होता है प्रश्नात्मक, प्रश्न से संबंधित है, और नेगेटिव का मतलब उसमें नॉट भी लगा है। ये पहचान करना है हमको हिंदी के वाक्यों में और इंग्लिश कन्वर्ट करना है। तो हु ऑल डिड भी आएगा इसमें, हु ऑल डिड नॉट कम होम और क्वेश्चन मार्क, यह हो गया इसका उत्तर। अब इसी प्रकार सेकंड है, मैं वहां कम से कम एक बार जाऊंगा, तो जाऊंगा, जाऊंगा मतलब क्या है, ये फ्यूचर टेंस हो गया, विशेषता बता रहे हैं ना, फ्यूचर है, यू टी यू आर यू, फ्यूचर टेंस। तो क्या आ जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, डेफिनेट मतलब बिल्कुल निश्चित है कि कम से कम जाऊंगा, यह आ जाएगा उसके बाद। अफर्मेटिव मतलब ये सकारात्मक होता है ना, सकारात्मक मतलब पक्का जाना है उसको। तो क्या इसमें आएगा, सब्जेक्ट रहेगा फर्स्ट में, विल है ना, जाऊंगा, द ये और बी, तो ये क्या होता है, ये विल जरूरी होता है, करूंगा है ना। तो बी वन मतलब क्या होता है, वर्ब, बी वन का मतलब वर्ब यानी क्रिया, जाना है, तो और ऑब्जेक्ट आएगा इसके बाद, हाँ। तो क्या और उसका जमेगा उसका आंसर क्या होगा, आई विल गो देयर एट लीस्ट वंस। थर्ड है कब, क्या वो खेल रहा है, क्वेश्चन मार्क है इसमें, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, ये इंट्रोगेटिव यानी क्या आएगा, ये प्रश्नात्मक है ना, क्वेश्चन मार्क लगना है। क्या वो खेल रहा मतलब प्रेजेंट टेंस में आता है, क्या जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि हु इज इन आ रहेगा, रहा है के लिए क्या आता है, इज आता है, सब्जेक्ट वर्ब और आईएनजी, आईएनजी इंपॉर्टेंट है प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या जाएगा, इज ही प्लेइंग, यानी बॉय के लिए क्या होता है, ही। और यदि गर्ल है, इसी का नाम है, तो उसके लिए क्या आता है, शी आता है, ठीक है, तो ही। अब क्या वो खेल रहा है, तो इसी लिए आएगा व्हाट इज ही प्लेइंग। अब वो कब से खेल रहा है ना, कब से, यानी सिंस, यानी उसको टाइम दर्शाने के लिए क्या आता है, सिंस, सिंस व्हेन, व्हेन का मतलब क्या होता है, कब, कब, ठीक। बी प्लेइंग खेल रहा है, रहा है के लिए क्या लिखते हैं हम, आई एन जी, ये भी आपको पता है ना, ये सारी चीजें। तो वर्ब, वर्ब क्या है, प्ले, तो वर्ब में क्या लगाना है अपन को, बी प्लस आई एन जी, ऑब्जेक्ट ऑफ सिंस और टाइम के लिए होता है, तो हो जाएगा इसमें सिंस व्हेन हैज ही बीन प्लेइंग, इसमें क्योंकि ये आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो इसमें आता क्या है, फॉर्मूले में हैज या हैव सब्जेक्ट, बी वर्ब आई एन जी और ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है, हम 4 बजे तक ऑफिस पहुंच चुके होंगे, होंगे मतलब क्या है, परफेक्ट है फ्यूचर में, तो यह आएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक, क्योंकि करना ही है, ठीक है ना। तो आ जाएगा इसमें सब्जेक्ट, विल, हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी क्रिया, क्या आ जाएगा, वर्ब का थर्ड, 1 2 3 थर्ड फॉर्म, हाँ, और लिया जाएगा। तो क्या आ जाएगा, बी, बी मतलब हम होता है, हम, और टाइम पीरियड क्या, सिंस या जो है वो लिखते, तो बी विल हैव।
आप उसका दिल दुखाते हो तो क्या आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और अफर्मेटिव यानी स्वीकारात्मक या सकारात्मक दोनों ही की है। सब्जेक्ट वर्ब यस और थर्ड पर्सन सिंगुलर और ऑब्जेक्ट है। यू हर्ट, आपने उसका दिल दुखाया। यू हर्ट हिम के माता पिता उस पर भरोसा नहीं करते तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करते। वर्ब का क्या आया इसमें? फर्स्ट फॉर्म आया। तो अगर हिज प्रेजेंट पेरेंट्स डू नॉट ट्रस्ट हिम, ट्रस्ट मतलब क्या? भरोसा। यानी ये जो शब्द है और हिज मतलब उसके, आपको शब्दों को आपको भी मालूम होना चाहिए तब आप इस ग्रामर को कर सकते हैं। यार मैंने किताब नहीं खरीदी तो नहीं, सबसे पहले क्या आ गया इसमें? नेगेटिव आया कि नहीं? नेगेटिव मतलब क्या? नकारात्मक वाक्य। इसमें क्या आ गया? आपका नॉट आ जाएगा। ठीक, चलिए। नहीं खरीदी तो पास्ट इंडेफिनिट मतलब पहला जा चुकी। I did not buy the book. मैंने उसकी आवाज पहचान ली है। पहचान ली मतलब परफेक्ट हो गई है ना? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कैसे लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे has या have, वर्ब का थर्ड फॉर्म का सब्जेक्ट। I have recognized his voice. voice इसका मतलब है आवाज। रिकॉग्नाइज मतलब क्या होता है? पहचानना। तो IERECOGNIZ recognized, ठीक है स्टूडेंट। अब मुझे एक घड़ी मिली थी। मिली मतलब क्या? चला गया वो भूतकाल पास्ट में, मुझे पहले मिली थी। तो उसका जो फॉर्मूला कैसे चलता है? पास्ट परफेक्ट टेंस का सब्जेक्ट आता है, हेड आता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो आई हैड वर्ब, वर्ब क्या है? कौन सा है? फाइंड, एफ आई एन डी। फाइंड क्या क्या होगा? थर्ड फॉर्म एफ ओ यू एंड डी, फाउंड। आप वॉच, वे लोग मेरे साथ नहीं रहते। नहीं मतलब नॉट हो जाएगा, रहते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ जाएगा। तो दोज पीपल डू नॉट लीव विद मी, विद मतलब साथ। ठीक है, मी मतलब मेरे साथ। उसने गलती क्यों की? तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा और इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क है ना, ये प्रश्नात्मक पास्ट है ना। तो why did, डब्ल्यू एच वाई, why कैन होता है क्यों, और मिस्टेक एम आई एस टी ए के ई होता है गलती। उसने गलती क्यों की? ठीक, अब इतने आपको मैंने जो है प्रैक्टिस करा दी है टेंसेस की। आप लोग इसके जो टेंस एंड टेंसेस है, प्रैक्टिस ऑफ टेंसेस की, तो वो आपको लिखना है और अच्छे से याद करना है, स्पेलिंग का ध्यान रखना है, और जितने भी शब्द मैंने दिए हैं आपको क्या करना, कॉपी में नोट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।